सब्सक्राइब कीजिए इंडिगो न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है। शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लिए। उन्होंने मोहम्मद नबी, आफताब आलम और मुजीब रहमान के विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने अपने 10वें ओवर में 40 रन देकर चार विकेट लिए। अब ये दूसरे भारतीय बन चुके जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिए। शमी से पहले चेतन शर्मा ने 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन विकेट लिए थे। अब शमी दुनिया के 10वें गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लेने का कारनामा किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से तीन गेंदों में शमी ने किए तीन शिकार। 49.3 ओवर की गेंद मोहम्मद शमी ने यॉर्कर डाली। इस गेंद पर मोहम्मद नबी ने बड़ा शॉट लगाना चाहा और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन पर चली गई। यहां पर खड़े हार्दिक पांड्या ने बड़े आराम से इस कैच को लपक लिया। शमी ने यह गेंद काफी होशियारी से डाली थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने पीछा करते हुए उनका कैच पकड़ा। नबी 55 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। 49.4 गेंद पर नए बल्लेबाज आफताब आलम क्रीज पर आए थे। शमी ने एक बार फिर से यॉर्कर से हमला किया। आलम ने भी यह शॉट लगाकर खेलना चाहा, लेकिन शमी की तेज तर्रार गेंद सीधा स्टंप पर जाकर लगी और स्टंप को बिखेर दिया। आलम बिना खाता खोले आउट हो गए। 85 ओवर की पांचवी गेंद ये इस मैच की आखिरी गेंद रही। लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी हैट्रिक पर थे, मुजीबुर रहमान स्ट्राइक पर थे। शमी ने एक बार फिर से वही तेज गेंद डाली और उस यॉर्कर पर वो आउट हो गए। 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मुजीब के पास कोई भी मौका नहीं था और वो बढ़िया तरीके से बोल्ड हो गए। और इसी के साथ शमी ने एक बड़ा इतिहास बना लिया और भारतीय खेमा काफ़ी खुशी से झूम उठा। तो दोस्तों, आप इस मैच का हीरो किसे मानते हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।